गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदिया फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो करके किचन में भी आ गई हूँ। और आज मैं अभी अपने घर के लिए मैंने ब्रेकफास्ट सबके लिए बना दिया है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा बनाया था, सभी पोहा खा रहे हैं, साथ ही में न्यूज़ भी देखते जा रहे हैं। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली बिल्कुल भी न्यूज़ देखने का। मैं बस सबसे पूछती रहूँगी, अच्छा क्या हुआ है न्यूज़ में, क्या बताया, मतलब क्या आगे है, क्या है इस टाइम। एक्चुअली है ना कि दिमाग में ही लगा रहता है, बना रहता है कि आगे क्या हो रहा है, कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर ऑल है ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम। और मैं अपने काम में लगने वाली हूँ, तो पहले थोड़ा सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, मुझे बहुत एक्चुअली पसंद है। और दूसरा ये भी रीज़न है कि रोज़ वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा के भी ना जी उबने लगता है, तो डेली क्या करे वही, मतलब एक्चुअली बच्चों में तो दाल चावल डेली जरूरी ही होता है, तो इसलिए बनता ही बनता है। और क्या रोज़ बनाए तो जी उब रहा था आज, तो मैंने कहा आज मैं कढ़ी ही बनाऊँगी। और कढ़ी से एक बात याद आ गई, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरी मम्मी बहुत कढ़ी अच्छी बनाती, बहुत ही अच्छी, मुझे उन्हीं के हाथ की स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मिलती कहाँ है आप शादी के बाद, जब वहीं जाओ तभी उस टाइप की मिलती है। तो पहले एक सीरियल आता था मास्टर सैफ करके, तो जब भी हम लोग मम्मी से अपने मजाक करते थे तो यही कहते थे, अच्छा मम्मी आप मास्टर सैफ में क्या जाओगे तो क्या बनाओगे, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं ना कढ़ी बना दूंगी। तो यही बात मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊँ, बहुत मजाक वाला टाइम था वो। क्या फिलहाल अभी तो फिर बस यादें ही रह गई हैं, वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। हम भी फैमिली वाले ही हो गए हैं, बच्चों वाले, तो अब हम वो चीज़ समझ रहे हैं कि हमने अपनी मम्मी को, अपने पापा मम्मी को कितना परेशान किया है, अब हमारे बच्चे जब करते हैं तब। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ, कढ़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको पकौड़े वाली कढ़ी खट्टी खट्टी पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा प्रिपरेशन कर ली है और अभी मैं दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है कढ़ी बनाने के लिए। बेसन की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ बाउल में मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है और आम के कटे हुए कुछ पीसेस लिए हैं। कढ़ी में वैसे हम खटाई, जो आम को सुखाकर खटाई बनती है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आम का सीजन चल रहा है इसलिए मैं एक कच्चे ही आमों का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। वाइट सॉल्ट मैंने यहाँ ले रखा है और आम का काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है कढ़ी में, खट्टापन आ जाता है। यहाँ पे मैंने मेथी दाना ले रखा है, राई ले रखा है, हींग मेरे पास गांठ वाली थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी में उसको भिगो दिया है कुछ देर के लिए। और यहाँ पे मैंने कटी हुई ग्रीन चिल्ली ली है, मैं रेड चिल्ली नहीं यूज़ करूँगी, हमारे घर में रेड चिल्ली कोई भी नहीं खाता है। और छाछ मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करके ले लिया है, करी पत्ता लीव्स भी ले लिया है और ये मसाला मैंने घोल बना करके रख दिया है। मसाले में मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ही लिया है, बस इतना ही मसाला है और ज़्यादा मैंने कोई मसाले यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। और ये इस तरह से घोल बना के रखने से सही रहता है। और ये मैंने पानी ले रखा है और अब मैं बेसन को घोलना स्टार्ट करूँगी। मैं बेसन का भी पकौड़े के लिए घोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, बस जस्ट सॉल्ट ऐड करके और इसका घोल बना लूँगी। मैं ज़्यादा सॉल्ट भी अभी नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैं बाद में भी सॉल्ट ऐड करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इससे अब इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दूँगी तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी पकौड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए इसको लगभग 15 मिनट के लिए रख दूँगी मिक्सर रेडी करने के बाद।
पे पकौड़ियाँ बना ली हैं, मेरी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और अब मैं कढ़ी को फ्राई करूँगी। कढ़ी को फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से कढ़ाई में जो बचा हुआ था पकौड़ी फ्राई करने के बाद, मैं उसी से कढ़ी को भी फ्राई करूँगी। और अभी मैंने इसमें मस्टर्ड सीड यानी राई को डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया है। और अभी मैं इसमें करी पत्ता लीव्स और हरी मिर्च कटी हुई डाल दूंगी और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी जो मैंने भीगने के लिए अलग से रखा था, हींग को भी इसमें डाल दूंगी। ये हींग मैंने डाल दिया और धीमी आंच पे इसको पकने दूंगी। और इस पे इसके बाद जो मैंने मसाले का घोल रेडी किया हुआ था, धनिया और हल्दी का घोल रेडी किया हुआ था, उस घोल को भी मैं इसमें डाल दूंगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद, ये अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें कच्चे कटे हुए आम के जो पीसेस थे वो भी इसमें डाल दूंगी और ये भी अच्छे से पक जाएगा इन्हीं के साथ। और उसके बाद मैंने जो बेसन ले रखा था, बेसन का घोल, उसमें मैं मट्ठा को ऐड कर दूंगी, छाछ जो मैंने दही को ब्लेंड करके बनाया था उसको डाल दूंगी और इस मिक्सचर को अच्छे से घोल लूंगी और घोलने के बाद इसमें डाल दूंगी। कढ़ी के लिए मसाला अच्छे से पक चुका है, ये साइड साइड से ऑयल इसमें से निकलना शुरू हो गया है और अब मैं जो बेसन और छाछ का मैंने घोल रेडी किया हुआ था उस घोल को मैं इसमें डाल दूंगी और घोल को डालने के बाद मैं लगातार इसको स्टेयर करती रहूंगी। और इसके बाद मैं इसमें अभी सॉल्ट ऐड करूंगी, सॉल्ट ऐड करने के बाद लगातार इसको इस तरीके से स्टेयर करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बनने पाए और अच्छे से हमारी कढ़ी बॉयल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ी बना ली है और बहुत अच्छी, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में पता नहीं। तो अब मैं तो यही होप कर रही हूँ कि अच्छी ही बनी होगी, तो घर वालों से कमेंट्स मिल जाए तो उसके बाद ही बता पाऊँगी कि अच्छी थी कि नहीं थी। तो आप भी, अगर आपको भी मेरा ये तरीका कढ़ी बनाने का पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए।